हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू दी बाइकर्स राइड यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज मैं इस वक्त हूं केटीएम हावड़ा के शोरूम पे, और यहां पे हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं केटीएम ड्यूक 250 का BS6 वेरिएंट। तो अभी जो इस बाइक को आप देख रहे हैं, ये एक केटीएम ड्यूक 250 का BS6 वेरिएंट। इस बाइक के बारे में एक डिटेल हुआ करो रिव्यू करेंगे, और इसका प्राइस क्या है, इसका माइलेज क्या है, और इसमें नया क्या कुछ ऐड हुआ है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स रेडी फैमिली से जुड़ जाइए, और मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप सामने दी ऑल न्यू KTM ड्यूक 250 का BS6 वेरिएंट को देख रहे हैं, और अभी ये बाइक पहले से और भी अट्रैक्टिव हो गया है। प्राइसिंग की बात करें तो कोलकाता में इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 2,768 रुपीज। मतलब दोस्तों BS4 वेरिएंट से लगभग 5,000 रुपीज प्राइस इंक्रीज हुआ है, और इस बाइक का जो अपडेट है उसी के चलते मुझे लगता है कि ये 5,000 रुपीज प्राइस हाइक एकदम जस्टिफाइड है। सबसे पहला तो इस बाइक में अभी BS6 कंप्लायंट इंजन दिया गया है। दूसरा जो सबसे अच्छी बात है कि अभी ये बाइक ड्यूअल चैनल स्विचेबल ABS के साथ अवेलेबल हो गया है। अब इंजन की तरफ देखें तो इंजन में BS6 अपडेट के अलावा और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अभी इस बाइक में पहले की तरह 248.8 सीसी 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOAC इंजन के साथ आ रहा है, जो 9000 RPM में मैक्सिमम 29.6 BHP पावर एंड 7000 RPM में 24 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अभी एक रूमर बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि सभी BS6 बाइक में पावर ड्रॉप हो गया है, लेकिन इस बात पे यकीन करना एकदम बेवकूफी होगा, क्योंकि इस बाइक में BS6 अपडेट के बाद भी कोई भी पावर ड्रॉप नहीं हुआ है। इस बाइक में पहले जैसा ही 6-speed गियरबॉक्स मिलेगा। दोस्तों इस इंजन में मैकेनिकली ऑपरेटेड एंटी हॉपिंग क्लच का यूज किया गया है। एग्जॉस्ट मफलर की तरफ देखें तो दोस्तों एग्जॉस्ट मफलर में भी ऑक्सीजन सेंसर और नीचे यहाँ पे एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी इस बार दिया गया है, जो कि BS6 अपडेट का एक मेजर पार्ट है। अब माइलेज की बात करें तो पहले से माइलेज बढ़ेगा, ये KTM इंडिया का एक दावा है। अभी कितना माइलेज मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। फ्रेम एंड सस्पेंशन की तरफ देखें तो दोस्तों इस बाइक में पहले की तरह स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम का यूज किया गया है, और यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लैक दोनों कलर इस फ्रेम में यूज किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। रियर साइड में यहाँ पे एल्युमिनियम स्विंग आर्म का भी यूज किया गया है। फ्रंट सस्पेंशन की तरफ देखें तो दोस्तों इस बाइक का फ्रंट में वर्ल्ड्स बेस्ट सस्पेंशन मेकर WP का 43mm डायमीटर वाला ओपन कार्टेज अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको मिलेगा, और लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के तहत येलो रिफ्लेक्टर भी यहां पे दिया गया है। रियर सस्पेंशन की तरफ देखें तो दोस्तों इस बाइक का रियर में 10-step एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन यहां पे मिल जाएगा, और ये सस्पेंशन भी WP का है। ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर बात करें तो दोस्तों KTM ड्यूक 250 अभी स्विचेबल ड्यूअल चैनल ABS के साथ आ रहा है, और ये अपग्रेड सच में एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। स्विचेबल ABS होने के चलते अभी ऑफरोडिंग के टाइम पे इस बाइक का रियर व्हील ब्रेक का ABS को आप ऑफ कर सकते हैं। 2020 KTM ड्यूक 250 का फ्रंट व्हील में 4-piston कैलिपर 300mm डिस्क ब्रेक दिया गया है, और रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 230mm डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। एज पर KTM इंडिया वेबसाइट ये ड्यूअल चैनल स्विचेबल ABS है। अब बात करते हैं इस बाइक का लुक्स को लेकर। इस बाइक का डिजाइन तो वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, और इस बार सिर्फ स्टिकरिंग को थोड़ा चेंज किया गया है। अभी अब इस बाइक का ब्लैक कलर को देख रहे हैं, इसके अलावा व्हाइट कलर में भी ये बाइक अवेलेबल है। दोस्तों इस बाइक में 2 LED DRL के साथ DC ऑपरेटेड 55/60W हैलोजन बल्ब वाला हेडलाइट दिया गया है। हालांकि इसका हेडलाइट भी अगर LED होता तो और भी बेहतर हो सकता था। हेडलाइट यूनिट की साइड में यहाँ पे ऑरेंज कलर के ऊपर ब्लैक कलर से KTM बैजिंग मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड की तरफ देखें तो ब्लैक कलर का मडगार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रंट इंडिकेटर्स की तरफ देखें तो दोस्तों इस बाइक में LED इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस बाइक में 13.5 लीटर कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक का साइड काउल में आपको ड्यूक 250 ब्रांडिंग मिल जाएगा। यहाँ रेडिएटर गार्ड में KTM बैजिंग किया गया है, और फ्रेम के बारे में मैं तो ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। रियर साइड की तरफ देखें तो रियर साइड में यहाँ पे KTM ब्रांडिंग मिलेगा। टेल लाइट की बात करें तो दोस्तों इस बाइक में ट्विन LED टेल लाइट दिया गया है।
रियर इंडिकेटर की बात करें तो दोस्तों इस बाइक का रियर में भी एलईडी इंडिकेटर दिया गया है। दोस्तों केटीएम ड्यूक 250 में टैंक के पास में ही इग्निशन की को दिया गया है। सीट की बात करें तो आप देखिए राइडर सीट एंड पिलियन सीट दोनों का डिजाइन पहले जैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये सीट पहले से और भी सॉफ्ट हो गया है। रियर में दो स्प्लिट मेटल ग्रैब बार भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 2020 KTM Duke 250 BS6 वेरिएंट में मैट ब्लैक कलर का प्रीमियम हैंडल बार के साथ व्हाइट बैकलीड वाला प्रीमियम क्वालिटी का स्विच कंसोल मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे पास बीम, हाईलो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच मिलेगा और राइट साइड में इंजिन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखें तो दोस्तों KTM Duke 250 में ऑरेंज बैकलीट वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, आरपीएम मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, दो ट्रिप मीटर, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर, फ्यूल स्टेटस, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो फ्यूल रिमाइंडर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, शिफ्ट लाइट इंडिकेटर दिया गया है। दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस सेगमेंट का सबसे इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 2020 KTM Duke 250 का ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm, जो इंडियन रोड के लिए एकदम परफेक्ट है। इस बाइक का सीट हाइट है 830 mm, जो शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए थोड़ा ज्यादा है। इस बाइक का ड्राई वेट है 150 kg और व्हील बेस है 1356 mm। व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो दोस्तों इस बाइक का फ्रंट व्हील में 110x70 साइज का ट्यूबलेस टायर एंड रियर व्हील में 150x60 साइज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। दोस्तों ये दोनों टायर से MRF का रेडियल टायर है और इस बाइक का फ्रंट एंड रियर दोनों रिम 17 inch डायमीटर वाला है एंड रिम कलर है ऑरेंज। रिम की साइड व्हील में KTM ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगा। 250cc सेगमेंट में KTM Duke 250 बाइक सबसे बेस्ट गुड लुकिंग वेल परफॉर्मेंस वाला प्रीमियम बाइक है। तो दोस्तों ये था दी ऑल न्यू KTM Duke 250 BS6 वेरिएंट का डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। मुझे तो ये बाइक बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।